हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिम मैथ्स ब्लॉग। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आवर क्वेश्चन इज एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री, एंड जेड इंटू एक्स डिवाइडेड बाई जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू फोर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड। तो स्टूडेंट, इस टाइप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए उसका बहुत इजी ट्रिक्स इस वीडियो के माध्यम से तुम लोग आज बताएंगे स्टूडेंट। तो कैसे करना है आज बताएंगे। तो स्टूडेंट, पहले यहाँ पर देखो एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है स्टूडेंट। तो टू राइट साइड में कितना है, टू है, तो डिनोमिनेटर पोजिशन में क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर वन लेना है, ठीक है स्टूडेंट। थ्री मतलब यहाँ पर होगा थ्री बाई वन, फोर है तो सिर्फ तुमको कैसे लिखना है, फोर बाई वन। तो इसको क्या कैसे लिखना चाहिए माई डियर स्टूडेंट, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है स्टूडेंट। एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बाई वाई, टू बाई वन को तुमको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई को लिखना है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, ठीक है स्टूडेंट। इज इक्वल टू क्या होगा, वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कैसे लिखना है, यहाँ पर देखो एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई मतलब क्या होगा, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है। तो हर टर्म्स को ऐसे लिखना है, वाई जेड मतलब यहाँ पर वाई जेड डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड मतलब यहाँ पर हो जाएगा वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई जेड इज इक्वल टू वन बाई थ्री, ठीक है। बोथ साइड को तुमको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा, y बाई वाई प्लस जेड प्लस जेड बाई वाई जेड इज इक्वल टू वन बाई थ्री, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट इसको सेम लिखना है, z प्लस एक्स डिवाइडेड बाई जेड एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर कैसे लिखना है, z बाई जेड एक्स प्लस एक्स बाई जेड एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या करना चाहिए, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाई वाई, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाई एक्स, ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू वन बाई टू। फिर से इसको वाई वाई कैंसिल कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाई जेड प्लस वन बाई वाई इज इक्वल टू वन बाई थ्री, ठीक है स्टूडेंट। इसको सेम करना चाहिए तो क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स प्लस वन बाई जेड इज इक्वल टू वन बाई फोर। तो इक्वेशन नंबर वन लेना है इसको, इस टर्म को कैसे लेंगे, इक्वेशन नंबर टू और इसको तुमको लेना है इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है स्टूडेंट। तो तीनों इक्वेशन को तुमको प्लस करना है, एक दो तीन, मतलब इसको लेफ्ट साइड प्लस लेफ्ट साइड प्लस लेफ्ट साइड मतलब क्या होगा, वन टू इंटू वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड, ठीक है स्टूडेंट। इसको फिर से क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो राइट साइड प्लस राइट साइड प्लस राइट साइड मतलब वन बाई थ्री, वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर, ठीक है स्टूडेंट। इसको कैसे लिखना है, टू ब्रैकेट वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड इज इक्वल टू एलसीएम करो, तो एलसीएम करने से क्या होगा, 12 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 6 12 मतलब 6 होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। तो नेक्स्ट कैसे लिखना है, टू ब्रैकेट वन वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई वन, ठीक है जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 6 और 4 प्लस करने से 12 ये 10, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है स्टूडेंट। तो x 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड ये 2 को लेफ्ट साइड में लेना है, मतलब डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 13 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है स्टूडेंट। तो तुमको x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, z का वैल्यू निकालना है। तो
तो 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z इस इक्वेशन को तुमको क्या करना है, तुमको इक्वेशन 4 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 by y प्लस 1 by x इज इक्वल टू 1 by 2, ठीक है। तो इस नंबर 4 इक्वेशन से नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करने से तो 1 by z का वैल्यू निकल जाएगा। तो इक्वेशन 4 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इस 1 by x प्लस 1 by 2 लिखना है, 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z इज माइनस, ठीक है। तो माइनस क्या होगा, 1 by y प्लस 1 by x, 1 by y प्लस 1 by x बेकेट लेना है। तो बेकेट मतलब क्या होगा, 13 by 24, इसको पहले लिखना है, 13 by 24 माइनस इसका वैल्यू कितना है, हाफ, यहाँ पर हाफ लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z माइनस 1 by y माइनस 1 by x इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 24, 13 माइनस 12, ठीक है, 13 माइनस 12 हो जाएगा 2 12 13 24, यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। इसको इसको कैंसिल कर दो, माइनस 1 by y प्लस 1 by कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 by z इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 by 24, मतलब z का वैल्यू हो जाएगा 24, ठीक है स्टूडेंट। फिर से तुमको इस इक्वेशन 4 से इक्वेशन 2 को माइनस करो, यहाँ पर 1 by z प्लस 1 by y है, 1 by x नहीं है, तो ये 1 by x का वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन और नंबर 4 इक्वेशंस को अप्लाई यूज करके तुमको 1 by x का वैल्यू, x का वैल्यू इजी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 से तुमको इक्वेशन 2 को माइनस करो, इक्वेशन 4 से इक्वेशन 2 को माइनस करने से क्या होगा, यहाँ पर देखो 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 1 by z प्लस 1 by y, ठीक है स्टूडेंट। तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करने से क्या होगा, 1 by x मिलेगा, 1 by x, और राइट साइड में कितना आएगा, 13 by 24 माइनस यहाँ पर कितना है, 1 by 3, कितना है, 1 by 3, तो यहाँ पर 1 by 3 लेना है, 1 by 3, तो क्या होगा, इसको कैलकुलेशन करो, कैल्सियम करने से क्या होगा, 24 यहाँ पर होगा 13, और यहाँ पर हो जाएगा 3 8 24, मतलब 8 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस करने से क्या हो जाएगा, 5 by 24, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा x इज टू 24 by 5, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, z का वैल्यू, x का वैल्यू निकल गया, वो z का वैल्यू निकल गया, और सिर्फ तुमको y का वैल्यू निकालना है। तो पहले फिर से तुमको क्या करना चाहिए, इक्वेशन 4 से इक्वेशन 4 का है, इस इक्वेशन से इक्वेशन 3 को माइनस करो, तो 1 by x प्लस 1 by z, तो यहाँ पर 1 by y नहीं है, तो इस इक्वेशन से क्या हो, इस इक्वेशन दो इक्वेशन को यूज करके तुम 1 by y का वैल्यू इजी से निकाल देगा। तो फिर से तुम y का वैल्यू निकालो, तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, ठीक है। तो माइनस करने से क्या होगा, 1 by y इज इक्वल टू 13 by 24 माइनस कितना है, 1 by 4, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या कितना लेना है, 1 by 4, तेल से करो तो 24 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 6, तो मतलब क्या होगा, 1 by y का वैल्यू हो जाएगा कितना आएगा, 7 by 24, मतलब y का वैल्यू हो गया 24 by 7। सो माय डियर स्टूडेंट, y का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया, और x का वैल्यू भी निकल गया। सो माय डियर स्टूडेंट, सो इफ यू लाइक दिस ट्रिक्स, इफ यू लाइक दिस प्रोसेस, सो माय डियर स्टूडेंट प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, बाय बाय।